दिल्ली में सरकार की मोर्चेबंदी करते हुए किसान डटे हुए हैं। कृषि कानूनों पर विरोध जारी है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि किसान उनके साथ है, बिल पर मुहर भी लगा रहे हैं। इसका आदर सरकार राजस्थान पंचायत चुनाव बता रही है। राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी अपनी जीत से गदगद है और प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये जीत किसानों के नए कानूनों पर मुहर है। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच राजस्थान में हुए क्षेत्रीय चुनावों में बीजेपी को मिली जीत को पार्टी ने बड़ी जीत बताया। पार्टी की ओर से अपनी बात को रखते हुए वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन चुनावों में 2.5 करोड़ वोटर्स में अधिक लोग किसान थे, जिन्होंने पार्टी को जिताकर ये साफ संकेत दे दिया कि वो बीजेपी के साथ हैं। राजस्थान में जावड़ेकर ने कहा कि जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, इनमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती। पंचायत समिति की 4371 सीटों में बीजेपी ने 1990 सीटें जीती हैं। राजस्थान की जीत को बड़ी जीत बताते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 21 जिला परिषदों में 14 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस 5 पर जीती है। भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिली है। जिला परिषद के इस चुनाव में पूरे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों के मुख्यतः किसान 2.5 करोड़ वोटर थे और उनका ये फैसला है। जिला परिषद के चुनाव में 636 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 353 सीटें बीजेपी ने जीती है। आउट ऑफ 636 353 सीट्स बीजेपी के खाते में है। पंचायत समिति के 4371 सीटों में 1990 यानी लगभग 2000 सीटें बीजेपी को मिली है। आउट ऑफ 4371 नियरली 2000 सीट्स हैव बीन वन बाय बीजेपी। दिस इज अ ह्यूज विक्टरी। केंद्र मंत्री ने कहा कि अब तक ये देखा गया कि जिसकी राज्य में सरकार होती है उसे चुनावों में ज्यादा सफलता मिलती है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, जबकि वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया। कांग्रेस ने परिसीमन किया, पैसों का जोर भी दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जावड़ेकर ने कहा कि 2.5 करोड़ वोटर्स में सब किसान ही थे, इसका मतलब ये है कि करोड़ों की संख्या में किसान कृषि सुधार के पक्ष में है। ये पहले जो ट्रेंड चलता था ये बदल दिया कि मतदाताओं ने, अब मतदाता बीजेपी के साथ है। और कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, डिलिमिटेशन किया लास्ट मिनट कि ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सीटें हमें मिले, कांग्रेस को मिले, इसके लिए डिलिमिटेशन का एक्सरसाइज किया, पैसे का जोर किया, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई। इसमें जैसा मैंने कहा 2.5 करोड़ वोटर में किसान, सभी किसान ही ग्रामीण इलाकों के ही थे, तो सारे किसानों ने वोट दिया है। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों के संख्या में राजस्थान में कृषि सुधार के पक्ष में है। राजस्थान में हुए चुनावों को बीजेपी भले ही अपने समर्थन की नजर से देख रही हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस वक्त दिल्ली में हजारों किसान सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, और जब तक सरकार उन्हें नहीं मना लेती तब तक कितने ही चुनावों में जीत न मिल जाए तब तक बड़ी राय कायम नहीं की जा सकती कि अभी अन्नदाता नाराज हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार कैसे किसानों को मनाती है। टोटल न्यूज के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।